मंदिर की नगरी अयोध्या नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस समारोह के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर है, जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी अत्यधिक ठंड के कारण आज प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कुछ दिन पहले बीजेपी के दिग्गज नेता रहे आडवाणी का बड़ा बयान सामने आया था। आडवाणी ने कहा था कि राम मंदिर बनने का फैसला नियति ने किया था। साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी ने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब वे पूरे भारत के तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। वह एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने रथ यात्रा का जिक्र किया, साथ ही उस दौर की कई यादों को साझा किया था। इस बीच खबर है कि भगवान राम के बाल रूप रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों, विभिन्न आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों सहित सभी क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल होंगे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह दोपहर 12:20 पर शुरू होगा। मंदिर निर्माण ट्रस्ट की माने तो इसके दोपहर 1 तक संपन्न होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।